कार्यक्रम 2023 में बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में यानी आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। क्या इन दौरान मुद्दे रहे, क्या आपके जहन में चलता रहा? पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र रखे, आप लोगों ने क्या सोचकर वोट डाले, क्या उम्मीदें लगाकर वोट डाले, सब कुछ ईवीएम में कैद हो चला है। हम चर्चा आज इसी पर करेंगे कि आखिरकार इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जनता ने क्या सोचा, चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो प्रचारक थे, उन्होंने क्या मुद्दे रखे, क्या वाकई मुद्दों पर बात हुई, छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या सोचकर अपना मत ईवीएम में लॉक किया, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं नितिन जी का भी। अविरल जी जोगी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। और आप सभी जल्दी हमारे साथ एक उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो जुड़ेंगे। सबसे पहले नितिन जी आपसे सवाल करूंगा मैं। वोटिंग खत्म हो गई, आप लोग 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्य किए, उन कार्यों को लेकर हम आम जनता के बीच हैं और जनता आशीर्वाद दे रही है। जिस प्रकार मतदान की कतारों में हमने देखा कि लोगों के चेहरे पे एक आत्मविश्वास दिख रहा था, युवाओं के चेहरे पे, महिलाओं के चेहरे पे, हमारे किसान भाइयों के चेहरे पे, वो आत्मविश्वास इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत से बन रही है। हमने तो नारा ही दिया है कि अब की बार 75 पार, तो हम बिल्कुल आश्वासित हैं। और शुभकामनाएं देता हूं मतदाताओं को जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं चुनाव जीतने की, सरकार बनाने की। राजीव जी यही उम्मीद आप लोगों ने भी लगा रखी है और आप लोगों का तो नारा ही बदलबो का था, कितना चलाए? बदलबो बदलबो ए दारी बदलबो, ये हमारा नारा था और हमारा पंच लाइन था अभिषेक जी कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, हम ही बसाएंगे। और सच बात है, अटल जी ने कहा था छत्तीसगढ़ राज्य हम बनाएंगे। 65 साल तक कांग्रेस खेलती रही कमेटी और विधानसभा की कमेटी, अंधोगत्वा छत्तीसगढ़ बनाया अटल बिहारी जी ने। और 15 साल तक आज हम जिस सड़क पर खड़े हैं, जिस चौक चौराहे पर खड़े हैं, कभी चारों तरफ ये छत्तीसगढ़ को काला पानी कहते थे। कांग्रेस के लोग वल्लभ भवन में बैठकर कहते थे छत्तीसगढ़ काला पानी है। अब उस छत्तीसगढ़ को संवारा है भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी मेरे मित्र कह रहे थे 75 पार, तो एक शेख चिल्ली की कहानी याद आती है, वो कनस्तर को दे मारा, तो शेख चिल्ली के एक ये सपने देख रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी हमने सुना था। तो बहुत अच्छा सपना देखिए, गालिब ख्याल में ख्याल देखना अच्छा है, ख्याल का पुलाव तू भी खा मुझे भी खिला, तो ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार आ रही है। और ये जो भय भूख और भ्रष्टाचार 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, गोबर में घोटाला, रेती में घोटाला, शराब में घोटाला, सड़क बनाने में घोटाला, ये घोटाले की सरकार थी, तुम्हें मुबारक हो। हमारी सरकार आ रही है, 5 साल हमारी सरकार आ रही है और हमारे अश्वमेघ का घोड़ा चल चुका है। जनता के बीच में घोटाला कहते हैं कि हम संवारेंगे, शिक्षा देंगे, सड़क। मैं अविरल जी से भी सवाल कर लेता हूँ। अब मतदान हो चुका, अब तो प्रचार से कोई फायदा नहीं। अविरल जी भैया कोई नहीं चलने वाला, बीजेपी कांग्रेस की बहस में खुद को कहां पा रहे हैं जोगी कांग्रेस? अभिषेक जी पहले तो हमारे एक आईटीबीपी के जवान ने हमारे प्रदेश के हित में होते हुए चुनाव जो हो रहा था उसके लिए शहादत दी है, उसके लिए मैं सभी के साथ हाथ जोड़कर इस बात को और याद करना चाहूंगा 2 मिनट कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, सेना के जवानों का योगदान रहा। एक विनम्र श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से भी जो लोग पैनलिस्ट हैं। एंड इसके बाद जो बबी चर्चा हो रही है, हमारा एक सामाजिक दायित्व था तीसरे दल की तरह, और छत्तीसगढ़ की एकमात्र राजनीतिक पार्टी होने का एक दायित्व था हमारा, जिसका निर्वाह करते हुए हम लोगों ने हर बूथ, हर वार्ड, हर क्षेत्र तक, हर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की। चूंकि हमारे पास, मैंने एक बार और इस बात को कहा था कि तन मन धन की उतनी बड़ी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, जन की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के साथ हम लोग जहां तक पहुंच पाए पहुंचे हैं। और रही बात कांग्रेस और भाजपा की, तो ये लोग कल दिल्ली की व्यवस्था आई थी, कल दिल्ली की व्यवस्था लौट जाएगी, आज में हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे। ठीक है सूरज जी, आप लोगों ने भी एंट्री की इस बार छत्तीसगढ़ में, क्या खेल बिगाड़ने वाला भूमिका आप लोगों की रहेगी या कुछ नंबर आप लोगों के कोई खाता खुलेगा? देखिए
अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बोली थी कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं। और उसी राजनीति की बदलाव की बयार आपको छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में देखने को मिलेगा। 70 सालों तक दोनों पार्टियां राज की या 23 साल दोनों पार्टियां राज की, स्कूलों की स्थिति क्या रही आप समझ सकते हैं। दिल्ली के अंदर 10 स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में 3 स्कूल दिल्ली के आते हैं। ये भाजपा कांग्रेस के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि इनके सरकारी स्कूल टॉप 10 में आ सकते हैं। तो ये खेल बिगाड़ने का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता का खेल बिगाड़ने का है। क्योंकि 23 सालों तक जिन सपनों के तहत ये छत्तीसगढ़ बना, वो सपना आज भी अधूरा है। बेरोजगारों के रोड पे पीटा जाता है और इसी प्रदेश में 18,79,126 बेरोजगार घूम रहे हैं। 5 साल में एसआई की भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाई कांग्रेस। लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन में नियमित करने की बात किए थे, वो नहीं कर पाए हैं। और ये उसके बाजू वाले डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले, ये 2 साल का बोनस खा गए किसानों का, आज दिनांक तक नहीं मिला। कांग्रेस उससे भी ऊपर, 2018 के घोषणा पत्र में लिखे कि 2 साल का बोनस किसानों को देंगे, आज 17 नवंबर तक 2 साल के किसानों का बोनस नहीं मिला है। और ये डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले, बहुत सारे वादे आप लोगों ने कहा कि पूरे किए, बहुत से नहीं किए जो आपके साथी भी गिना रहे हैं। क्यों लग रहा है, मैं जानना चाहूँ क्यों आपको लग रहा है कि जनता ने आपको वोट दिया होगा आज? निश्चित तौर पर दिया होगा जनता ने, हमारे विश्वास पर, हमने जो काम किया उस पे वोट दिया। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो नहीं किया वो बीजेपी ने उठाया, लेकिन ये जितने लोग मंच पे खड़े हैं या मंच के सामने खड़े हैं, इसमें से ये सारे लोगों की खेती बाड़ी, सबने 2500 में धान बेचा है, सबका कर्जा माफ हुआ है। बोल दें वो बाजू वाले उनका खेत नहीं है, मैं मान जाऊंगा खेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2000 से अधिक लोगों का कर्जा माफ हुआ है और 3000 से अधिक लोगों ने धान बेचा है 2500 रुपए में। आधे गरीब का लाभ लिया में था स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए। कई भाजपा नेताओं के अप्रोच हमारे पास, राष्ट्रीय बैंकों के कर्ज माफ नहीं हुए, जो प्रयास करते थे वो किया। धान बेचने के लिए केंद्र में सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। छत्तीसगढ़ नितिन जी, इसी प्रदेश में युवा भी रहते हैं, पूरे देश में दे दो मोदी की गारंटी। नितिन जी, इसी प्रदेश में युवा भी रहते हैं, मैं यहाँ लोगों से ही सवाल करता हूँ, क्या लग रहा है आपको, क्या सोचकर आप लोगों ने वोटिंग की, आज वोटिंग की आपने? हाँ, मैंने आज वोटिंग करी है और मैं सभी पार्टियों से ये विनती करूंगा, चाहे सरकार किसी की भी बने, आप लोग, छत्तीसगढ़ आज 23 साल का हो गया, अभी तक नौजवान चलता था, अब छत्तीसगढ़ मैच्योर्ड एक एज में आ गया। हम छत्तीसगढ़ को ऐसे स्तंभ पे लेके जाएं जहां छत्तीसगढ़ देश में नहीं चाहे कि विदेश में भी छत्तीसगढ़ अपना नाम बना सके। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल, कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? मैं कुछ सवाल ले लूं फिर आता हूं, कोई कुछ पूछेगा? नहीं, कोई सवाल नहीं, जनता बड़ी खामोश है। छत्तीसगढ़ 23 साल का हो गया है, 23 साल में 15 साल आपका शासन रहा और 8 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया है। आज वोटिंग हुई है, क्यों आपको लग रहा है कि जनता आपको वापस लाएगी? कांग्रेस का कहना है कि किसानों का कर्ज उसने माफ कर दिया, किसानों के लिए इस बार भी बहुत कुछ उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है। देखिए, घोषणा पत्र की बात करना बेमानी है, 36 में से 10 बिंदु भी पूरे नहीं हुए, ये इनके उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं। रही बात दूसरी बात, जो इस नौजवान ने कहा, अच्छा मुझे बोलने दीजिए ना, ओवरलीपिंग मत करिए, शालीनता रखिए जनता के सामने। हाँ, झूठ कैसे बोल रहे? इस नौजवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ मैच्योर्ड हो गया, नौजवान है, नवतरुण है। तो हमको जब छत्तीसगढ़ विरासत में मिला था तो छत्तीसगढ़ में कनेक्टिव, 2 दिन की बारिश में रायपुर से जगदलपुर का संपर्क नहीं होता था, रायपुर सरायपाली अलग द्वीप बन जाता था, आंध्र शोक से लोग मारे जाते थे। 12 साल बाद रायपुर पूरे बंबई से, दिल्ली से नौजवान 15 साल मुंबई, और आज जो अटल जी ने रोड की कनेक्टिविटी बनाई थी, आज जो आपको सारे सीजन के फल दिखते हैं, चौपाटी में सारे फूड दिखते हैं, वो इसलिए दिखता है जो लोगों को रोजगार मिला है। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, गांव पंचायत की सड़कें बनाई, 15 साल में छत्तीसगढ़ को जोड़ा, आपने तोड़ा। अरे सिविल लाइन की सड़क टूटी हुई है, सिविल लाइन की सड़क टूटी हुई है, शंकर नगर की सड़क टूटी हुई है, पूरी सीएम और सुरक्षा का यह है, इतना बड़ा मुद्दा था, उसके सामने अपहरण होता है। क्यों आपने कांग्रेस पार्टी का अपहरण क्यों बनाया छत्तीसगढ़ में? आपने वोटिंग की आज? आज हम लोग सारे अपने युवा साथी सभी लेके बहुत बढ़ चढ़ कर वोटिंग किए हैं और
क्या मुद्दे थे, क्या दिमाग में ध्यान में था, क्या मुद्दे थे जिसको ध्यान में रखकर वोटिंग किया? मुद्दा यही था विकास करना है, क्योंकि देखें अभी 5 साल पूरा ऐसा है सर कि आम जनता इतना तरसता है जिसकी सीमा नहीं। कैसे तरसता है, सभी तरफ देखोगे छोटे छोटे ठेला में भी ना पाउडर मिलता है, गांजा से झूठ के बाद पाउडर भी अब मिलना चालू कर दिया है। करप्शन तो इतना ज्यादा हुआ सर, करप्शन जिसकी सीमा नहीं है, करप्शन के साथ साथ अभी छोटे छोटे अगर आप मेरा सर ठकेलने का काम इन लोगों ने, नहीं 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 सर देखे अभी मैं पार्टी की विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी थोड़े छोटे आप FIR लिखाने जाओगे तो FIR नहीं होता है तुरंत, अगर हाफ मर्डर भी होता है ना सर। नितिन जी आपसे जवाब चाहूंगा इसका, हुक्के बार चलते थे यहाँ पर और हुक्के बार की आड़ में क्या होता था ये सबको पता है, ये सारे लोगों ने शराबबंदी का वादा करके शराब की दुकानें बढ़ाने वाले हुक्काबंदी पे बात कर रहे हैं। जनता ने पटक दिया तो के खिलाफ क्या किया इन्होंने, कल्याण का है, छोड़े हुए लोग जो है मुंबई का है, सारे लाइसेंस दे दिया, हम सड़क में सट्टा, गली में सट्टा, बंदी की बात कर रहे हैं, घर में सट्टा, नशाबंदी की बात कर रहे हैं, कोरोना के समय राशन नहीं मिला, इनका भाषण मिला और शराब घर जो भाषण के लोग दो लोग सैनिटाइजर पी लिए खड़े हो, मुख्यमंत्री जी रोने लगे, एक एक करके बोलिए आप लोग कुछ कुछ समझ नहीं। राजू जी एक ब्रेक आता हूँ, पोलियो का टीका भी बना होता तो ये सिर्फ बच्चों ने कहा, नौजवान ने कहा कि गली गली में ड्रग्स क्यों मिल रहा, तो नितिन जी तिल मिला गए, अरे अपनी असफलता को समझो भाई, अपराधियों के साथ क्यों हो, महादेव सट्टा के साथ क्यों हो, ड्रग्स मिल रहा है, अरे ड्रग्स को हटाओ, अरे क्यों अपराधियों के साथ, अरे अपराधियों को हटाओ, अविराल जी ड्रग्स के खिलाफ, अरे ये क्या मुद्दे है अभिषेक, अभिषेक पार्टी ड्रग्स सिंडिकेट के साथ है, अरे हम लोग कमजोर हैं भाई, दब जाएंगे अभिषेक जी, राजीव जी इनकी बात भी सुन लेते हैं, अविराल जी बोलिए, अरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात सुन लीजिए भाई आप लोग। अभी अभिषेक जी सबसे बढ़िया बात आप ये समझिएगा, सूखा नशा, गीला नशा, पता नहीं कौन कौन सा नशा ये लोग करते हैं, है ना, इनकी भाषा शैली से बातें समझ में तो आती नहीं है हमें, आदरणीय आदरणीय आदरणीय, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, बोलने दे मुझे। अब इसके बाद ये समझिए कि उनका पता नहीं हुक्का उनने खुलवा दिया, इन्होंने बंद करवा दिया, पता नहीं, बट अभी हाल का बात हम लोग को याद है, बहुत पुरानी बात तो हम लोग थोड़ा सा भूलने लगते हैं धीरे धीरे, 5 साल पहले गंगाजल वाली बात कहीं होती है, कहीं मुंह से कह के होती है, बट शराबबंदी होनी थी, शराबबंदी होनी थी, माननी बात हो जाए, शराबबंदी होनी थी, करोगे तो टोकूंगा नहीं, अरे मतलब आप लोग भाई सरकार में हैं, आप लोग 5 साल से बातें आए, नहीं 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 नितिन जी नितिन जी नितिन जी नितिन जी शराब पे तिल मिलाने, शराब पे सवाल ले लेता हूँ, शराब पे तिल मिलाने की बात देखिए पूछना चाहते, देखिए 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 महिला सुरक्षा की बात करेंगे, है ना, न्याय व्यवस्था की बात करेंगे, एक सवाल आप लोगों के पास आ रहा है, सवाल एक आ रहा है नितिन जी आप लोग पास, सवाल पूरे देश में फ्री योजना है क्यों, सिर्फ वोटिंग के टाइम ही फ्री योजना है, व्यापारी टैक्स पटाते हैं, GST पटाते हैं, टेंशन में रहते हैं, कमाते हैं सबके लिए और नौकरियां भी देते हैं व्यापारी, और ये फ्री योजना है क्यों, फ्री मतलब फ्री देश में कमी है क्या, फ्री योजना है क्यों, मैं कांग्रेस भाजपा दोनों से बोलूंगा, एक दूसरे को रेवड़ी कहा जाता है लेकिन दोनों की घोषणा पत्र में फ्री की योजना है, आप बोलिए राजीव जी। पहले जब हमको स्वाधीनता मिली तो उस समय और आज बहुत सारी एक विषमता है, समाज का एक तबका है जो आर्थिक रूप से शोषित है, जो आज भी गरीब है, जो 2 जून की रोटी के लिए बहुत कुछ मशक्कत करता है, तो उस वर्ग को उठाने के लिए हमें कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ती। आपका जो सवाल है जायज है कि टैक्स पेयर से क्यों, लेकिन देखिए धीरे धीरे अभी कांग्रेस पे सवाल क्यों, नितिन जी सवाल आप लोगों पे भाजपा उठाती है, आप लोगों के भी घोषणा पत्र में फ्री की योजना है, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, क्यों जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों जरूरत नहीं है इस किसान को इस प्रदेश में मजबूत बनाने की, क्यों जरूरत नहीं है यहाँ पर मजदूर मजबूत बनाने की जो इनके शासन काल में मजबूर था। इन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है, अभी कह रहे थे कि
जो लोग मतलब जिनका स्तर वो हो उसको उठाने के लिए करना पड़ता है ये बोलते हैं। हम तो इनकी नजर में हम रेवड़ी बांट रहे हैं, यदि हम 2500 में धान खरीद रहे हैं तो हम रेवड़ी बांट रहे हैं, हम कर्जा बात कर रहे हैं, घपला करते हो ना भैया, दिक्कत हुआ है। अभी 2100 में खरीदेंगे, घोषणा पत्र खरीदेंगे, मोदी की गारंटी ये खरीदेंगे, बोले 2100 में उत्तर प्रदेश में राज्य सोलह में यहाँ 3100 में भैया, पूरे देश में आप तो शराब बेचना बंद करो, अंबानी खरीदेंगे, अडानी रोजगार देंगे, मेहुल चौकसी लोन आपने दिया, क्या नाम है सूरज जी, सूरज जी हो जाते हैं, देश छोड़कर चले जाते हैं। रेवड़ी की बात की जाती है क्या, कितना जरूरी है चुनाव जीतने के लिए, रेवड़ी की बात की जाती है सूरज जी? देखिए, जब देश आजाद हुआ तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें सबसे ऊपर है शिक्षा है, स्वास्थ्य है। जब सरकारें अच्छी शिक्षा देने में फेल रहेंगी, जब सरकारें आठवीं के बच्चे तक को मिड डे मील के नाम पे फोकट में पास करके उनका बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ने देंगे एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि वो बच्चा नौवीं में जाके फेल होगा, दसवीं फेल होगा, ग्यारहवीं फेल होगा, बारहवीं फेल होगा, और फेल होने के बाद नौकरी मांगने लायक नहीं रहेगा। ये किया है इन सरकारों ने। जब अंतिम व्यक्ति अपने इस उचित स्थान पे नहीं पहुंच पाएगा, और दूसरी चीज प्रीवियस की बात वो ना करे जिनकी सरकारें घाटे में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार 7996 करोड़ रुपया सरप्लस रख के सब कुछ फ्री देती है, और ये सरकारें 44,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने 1,00,000 करोड़ का कर्जा पहुंचा दिया, और मोदी जी ने देश आजाद होने के बाद टोटल कर्जा 55,00,000 करोड़ का था। एक सवाल जनता के ले लेता हूँ, एक सवाल जनता का। बड़े भैया मेरा आपसे सवाल है सेकंड नंबर से, आप दारू की बात करो, नशे की बात करो, दारू कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, कोई भी पार्टी रहे, दारू हर राज्य में है, किसी के में कम किसी के में ज्यादा। आप लोगों ने कसम खाया कि दारू बंद कराएंगे, है ना? कोरोना 3 साल 2 साल कोरोना चला, कोरोना के बाद दारू भट्टी जो अच्छे अच्छे दरवे हैं, जेला मन डॉक्टर मन कहादरी से कि ये मन हम मर्जी दारू के बिना, तब बोले जिंदा रही से वो मन है, तेकर बावजूद दारू के रेट बढ़ा बढ़ा करके आओ पब्लिक मतलब मारे थे काबर मारे थे। एक सवाल और ले लेता हूं, वो पैसा राहुल गांधी जी के महिलाओं के लिए क्या लगता है कि पार्टियों ने कुछ शराब का रेट नहीं, शराब में घपला, अरे शराब पी महिलाओं के लिए क्या लगता है, घपला करके राहुल गांधी को भेजवाए, दिल्ली को भेजवाए, दो काउंटर। एक सवाल और, 2000 करोड़ का घोटाला, उस 2000 करोड़ से तेली बांधा की सड़कें बन जाती, नहीं बनाए, वो पैसा भेज दिए कांग्रेस वालों को। भैया महिला वोटर का बात सुन लीजिए, अगर कमल खिला तो मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, और 12,000 रुपए प्रतिवर्ष हर महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए हर महिला के खाते में जमा होगा। अगर एक घर में 4 महिलाएं हैं तो चारों महिलाओं के अलग अलग 12,000 रुपए खाते में जमा होंगे, और महिलाओं के लिए जो आज शराबखोरी चोरी डकैती गुंडागिरी, आज महिलाएं अकेली सुरक्षित नहीं है कहीं भी जाने के लिए, तो अगर मोदी सरकार आई तो महिलाएं सुरक्षित होगी। और हम मोदी सरकार तो है ऑलरेडी, 500 रुपए सिलेंडर बहन जी, सरकार मोदी ऑलरेडी। और कोई सवाल, और किसी के पास कोई सवाल? आगे आइए, आगे आइए, देश के किसी कोने में नहीं मिल रहा है भाई, 1150 मेरा सवाल तो मत बहकाओ, मेरा सवाल है यहाँ जिसके पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं नहीं बिक रहा है, इनसे मेरा सवाल है कि दो, अरे इधर सवाल 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 सुन लीजिए भाई, मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि सारे पार्टी के प्रवक्ता हैं अब माननीयगण बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि हम अपने रोजी रोटी के लिए पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़ी शहरों में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में 50 से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBA कॉलेज हैं, IIT है, IIM है, NIT है, रविशंकर कॉलेज है, बट अभी तक 15 या 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, अभी तक एक भी IT कंपनी या MNC कंपनी का ऑफिस नहीं है, उसके लिए सरकार क्या करना चाहिए ये पूछना चाहूंगा। युवाओं के लिए रोजगार नहीं, बार बार बाहर जाना पड़ता है, ये वाकई में उनकी समस्या है, कई MOU होते हैं। हम अग्रसर हैं, 15 साल का हिसाब मांगो, देखिए पिछले 5 साल में इन्होंने ताले लगाए, आप इनसे आज सवाल पूछेंगे पुरानी बात कर रहे हैं, कॉलेज हमने बनाया, IIT हमने बनाया, NIT हमने बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने दारू भट्टी बनाया, चौक चौराहे गली गली में दारू भट्टी बनाया, IIM बनाया, IIT बनाया, दारू भट्टी रोजगार स्पेस की बात है, 15 साल क्या कर रहे हैं, रोजगार दिलाया इन्होंने, ये भाई साहब ये जो आप कह रहे थे पूरे देश में
शरण किशोर के नाम पर जनता पार्टी के अगर आप एंटर करना चाहते हो, अपना रोजगार बनाना चाहते हो, बिना कोलेट्रल को कोई लोन देती है तो मोदी सरकार देती है बिना कोलेट्रल के। चलिए चलिए समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है और आप लोगों ने जो वोटिंग की है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। प्रत्याशियों ने अपने अपने वादे रख चुके हैं, पार्टी अपने घोषणा पत्र सामने रख चुकी है, जनता भी क्या सोचती है, किस सरकार को लाना चाहती है वो अपना फैसला दे चुकी है, जो 3 तारीख को सबके सामने यहाँ पर होगा। हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश की, प्रत्याशियों से सवाल किए, जनता तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। तो महासंग्राम जो चल रहा था एक तरीके से आज वो थम चुका है। अब इस महासंग्राम का परिणाम क्या है 3 दिसंबर को सामने आएगा और तब जनता अपना फैसला सुनाएगी और तब प्रत्याशियों को भी पार्टियों को भी समझ में आएगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया और किन मुद्दों पर जाकर अपना मत दिया। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। बोलिए लोकतंत्र जिंदाबाद।